बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अंबेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। बसपा सुप्रीमो मायावती ने लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार बनी मोदी सरकार के ऊपर पहला हमला आज कर दिया। आपको बता दें कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा अपने ट्विटर अकाउंट से। उन्होंने लिखा है, श्रम मंत्रालय ने लोकसभा चुनाव के बाद अब अपने डाटा से इस बुरी खबर को प्रमाणित कर दिया कि देश में बेरोजगारी की दर पिछले 45 सालों में सबसे अधिक 6.1% जा पहुंची, परंतु गरीबी व बेरोजगारी के शिकार करोड़ों लोगों द्वारा अब पछताने से क्या होगा जब चिड़िया चुग गई खेत। साथ ही उन्होंने आगे लिखा है, साथ ही देश के लिए अच्छी खबर नहीं है कि अब भारत की आर्थिक विकास की दर घटकर 5.8 पर होकर काफी नीचे चली गई है। जीडीपी विकास की दर कृषि व फैक्ट्री उत्पाद में भारी गिरावट का परिणाम है। पहले भी इससे काफी त्रस्त देश की जनता के जीवन का सही कल्याण कैसे होगा। तो बसपा सुप्रीमो मायावती का पहला